हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नंबर 31 है यूपी पीसीएस के लिए, 2021। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम दूंगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसके नीचे घंटे का बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा, सही समय पर सही टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, कौन सी प्रथा है वो? जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी या फिर दहसाला प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ब्रिटिश भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस, चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? 1857 में तो विद्रोह छिड़ गया था, तो पहले ही शामिल हुई होंगी। धीरे धीरे ज्वालामुखी फूटा दिसंबर 1856 में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी वाली बंदूक थी, ब्राउन बेस नाम था, उनके स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया गया और ये राइफल लाई गई। अब मुद्दा क्या था, इनका जो कारतूस था उसको छीलना पड़ता था। अब उसके अंदर होता क्या था, गाय और सुअर की चर्बी, तो धार्मिक असहिष्णुता फैली, ठीक है। तो ये भी एक कारण था, प्रारंभिक कारण यही था 1857 के विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान को। किसको? बख्त खान को। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था, सॉरी फॉर दिस, सख्त खान नहीं है, ये है बख्त खान। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ऑप्शन नंबर डी। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा और इस नीतियों में चर्बी वाले कारतूस भी आ गए, धार्मिक भेदभाव, ठीक है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हर तरह का। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? अब 1857 में संग्राम हुआ, किसी ने उसका नेतृत्व भी किया होगा और उसको दबाया भी होगा किसी ब्रिटिश अंग्रेज ने, उसका भी नाम पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। कौन थे? मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन नंबर ए। तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान किसने संभाली थी? मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ विद्रोह को जनरल नील ने दबा दिया, समाप्त कर दिया। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब के कमांडर इन चीफ का नाम क्या है? तात्या टोपे। क्या है? तात्या टोपे। तो देखिए, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली, मतलब कमांडर इन चीफ। अजीमुल्ला खां निम्नलिखित में से किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? रानी लक्ष्मीबाई के तो थे नहीं, किसके थे फिर? नाना साहब के या तात्या टोपे के? तो देखिए, अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे, सीधे सीधे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से थी? राजस्थान, बिहार, अवध या बंगाल? अवध से थी, पहले भी पूछा गया है ये प्रश्न 2-3 बार। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसका कोई सदस्य 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुआ हो, सभी थे लगभग।
1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इम्पोर्टेंट है प्रश्न, पहले पूछा हुआ है किसने, मिर्ज़ा गालिब ने, मिर्ज़ा गालिब। तो उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1797 को आगरा, कहाँ पर, आगरा में, और मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आँखों से देखा था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 का विद्रोह किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, मतलब विद्रोह का विरोध किया, विद्रोह का समर्थन किया, या फिर तटस्थ रहा, ना विद्रोह किया ना समर्थन किया, ना विरोध किया ना समर्थन किया, या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया, क्या किया था इन्होंने? देखिए, जो शिक्षित वर्ग था, मध्यम वर्ग था, वो तटस्थ था, सी है इसका आंसर। तो 1857 के विद्रोह में शिक्षित मध्य वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों में से भी एक थी। ना तो वो विरोध कर रहा था, ना साथ दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। साल 2020 का फिजिक्स का नोबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? भौतिकी का नोबल 2020 किसको दिया गया है? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, मार्गरेट एटवुड। देखिए, मार्गरेट एटवुड तो 2019 की बुकर पुरस्कार की विजेता हैं, तो ये तो होगा नहीं। इस बार तीन लोगों को मिला है फिजिक्स का नोबल 2020 में, 2019 में भी तीन लोगों को मिला था। उन तीन लोगों के नाम हैं 2020 वालों के, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज। फिलहाल यहाँ ए और बी दोनों सही हैं, तो डी आई इसका आंसर। तो देखिए, साल 2020 का फिजिक्स के लिए नोबल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से दिया गया है, को संयुक्त रूप से दिया गया है तीनों को। अब 50-50 का रेशियो है पिछले साल की तरह, 50% अकेले रोजर पेनरोज को मिला है और बाकी का 25-25% मिला है रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज को। अब ब्रिटेन के हैं रोजर पेनरोज, इनको ब्लैक होल की खोज के लिए अवार्ड दिया गया है। बात करें रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज की, तो हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का अभी तक सबसे ठोस सबूत जो दिया है इन्हीं दोनों ने दिया है, उसके लिए इनको मिला है फिजिक्स का नोबल 2020। अब प्रश्न क्रमांक संख्या 12 पर आ जाइए, इसी से रिलेटेड है। एंड्रिया घेज फिजिक्स के नोबल 2020 से सम्मानित होने वाली कौन सी महिला हैं? इस तरह के प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहली तो मैडम क्यूरी थी, उनको मिला था फिजिक्स का नोबल लगभग शायद 1903 में या एक में, ठीक है, तीन ही था जहाँ तक है। तो इनसे पहले तीन को मिल चुका है, चौथे नंबर की हैं। एंड्रिया घेज फिजिक्स का नोबल प्राप्त करने वाली चौथी महिला हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, प्रोफेसर एंड्रिया घेज फिजिक्स के नोबल से सम्मानित होने वाली चौथी महिला हैं। यह सम्मान पाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अवार्ड के लिए बहुत ही रोमांचित हूं और इस दायित्व को गंभीरता से लेती हूं। एंड्रिया से पहले मैडम क्यूरी 1903 में फिजिक्स का नोबल प्राप्त कर चुकी हैं, उसके बाद मारिया जोपर मेयर 1963 में और डाना स्ट्रिकलैंड 2018 में फिजिक्स का नोबल जीत चुकी हैं, ठीक है। अब 19 में मिला है एंड्रिया घेज को, ठीक है, चौथी महिला हैं ये, याद रखना ये नंबर इम्पोर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। नवंबर 2020 को किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए, एक है मैन बुकर 2020 और यह है बुकर। तो मैन बुकर तो मारी के लुकास को मिला है और यह बुकर पुरस्कार किसको मिला है? डगलस स्टुअर्ट को। किसको मिला है? डगलस स्टुअर्ट को मिला है। क्यों मिला है? इनका एक उपन्यास है सग्गी बहन के लिए मिला है। तो देखिए, 19 नवंबर 2020 को न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक, इनका नाम है डगलस स्टुअर्ट को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास सग्गी बहन, इंपॉर्टेंट है इसका भी नाम याद रखना, इसके लिए मिला है। यह उपन्यास में है क्या? 1980 के थेचर्स ग्लासगो में आगे बढ़ रहे एक युवक की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये। कुछ इम्पोर्टेंट इसमें यह भी है, देखिए, दुबई में बसी हैं भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी की किताब जो है बर्न सुगर भी इस पुरस्कार की दौड़ में थी, लेकिन उनको नहीं मिला। ये प्रश्न शायद एक चांस है, मतलब 30-25% जो किसी एग्ज़ाम में पूछ ले, तो याद रखना इसको, ठीक है, कि बुकर पुरस्कार की दौड़ में निम्नलिखित में से कौन सी किताब थी या फिर किस लेखिका या लेखक की किताब थी
तो अवनी दोषी की किताब थी वर्न शुगर, ठीक है, वर्न शुगर, लेकिन नहीं मिल पाया इनको। ठीक है, अब देखिए ये जो उपन्यास है बुकर पुरस्कार, इसके लिए विजेता को कितनी राशि मिलती है? 50,000 पाउंड। प्रश्न क्रमांक संख्या 14 पर आ जाइए। 18 से 20 नवंबर 2020 के मध्य 30वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2020 आयोजित किया गया। इस समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन कब से किया जा रहा है? 30वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2020, 2005 से इसका आयोजन किया जा रहा है, जो हाल ही में 18 से 20 नवंबर के मध्य हुआ था। तो 18 से 20 नवंबर के मध्य भारतीय नौसेना और थाईलैंड की शाही नौसेना के बीच 30वां, कौन सा? 30वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2020 आयोजित किया गया। इस समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार, 2005 से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इस नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के साथ साथ हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को सुरक्षित रखना और वाणिज्यिक शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित रखना। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 है। 13 नवंबर 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खसरे की वैश्विक प्रगति पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, भारत उन 6 देशों में सम्मिलित है, भारत उन 6 देशों में सम्मिलित है जहां नवजातों को खसरे के टीके की पहली खुराक ही नहीं मिल पाई है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में वर्ष 2019 में कुल 12 मिलियन नवजातों को खसरे के टीके की पहली खुराक नहीं मिल पाई। क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं? बिल्कुल करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर, फिर सी। तो देखिए 13 नवंबर 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC द्वारा प्रोग्रेस टूवार्ड रीजनल मीजल्स, ठीक है, मीजल्स बोलते हैं खसरे को, ठीक है, ब्लिमिनेशन वर्ल्ड वाइड 2019-20 नाम से रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट कहती है कि भारत 1.2 मिलियन नवजात जिन्हें खसरे के टीके की पहली खुराक ही नहीं मिल पाई है के साथ शीर्ष 6 देशों में सम्मिलित है। अन्य 5 देश कौन से हैं? नाइजीरिया है, इथोपिया है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है, पाकिस्तान है और फिलीपींस है। नाइजीरिया की बात करें तो 3.3 मिलियन बच्चे खसरे से पीड़ित हैं, इथोपिया में 1.5 मिलियन, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में 1.4 मिलियन, पाकिस्तान में 1.4 मिलियन और फिलीपींस में 0.7 मिलियन और भारत में 1.2 मिलियन। ठीक है, अब देखिए रिपोर्ट कहती है कि 2019 में कुल वैश्विक मामलों की संख्या बढ़कर 869,770 हो गई है, जो कि 1996 के बाद अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वर्ष 2019 में खसरे से होने वाली मृत्यु, लगभग कितने बच्चे मर गए? 2,07,500। खसरे के टीके की प्रथम खुराक MCV1 की वैश्विक पहुंच इस दशक में 84 से 85% तक रही, जबकि होनी कितनी चाहिए? 90+ होनी चाहिए। अब देखिए दूसरी जो खुराक है खसरे की, MCV2 की वैश्विक पहुँच लगातार बढ़कर 71% हो गई है, तो बढ़ी है लेकिन चाहिए कितनी? विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि खसरे की रोकथाम के लिए खसरे के प्रथम टीके जो MCV1 है उसका कितना होना चाहिए और MCV2 दोनों का कितना होना चाहिए? वैश्विक पहुंच कम से कम 95% रहनी चाहिए, लेकिन MCV1 की कितनी रही? 84 से 85%, ठीक है, और MCV2 की 71 रही, जबकि दोनों होनी चाहिए 95%, ठीक है, 95%। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें 1857 का विद्रोह, और ये कुछ 5 इम्पोर्टेंट हैं करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिनकी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन से निकालने लगोगे तो 10 ही प्रश्न बैठेंगे। ठीक है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 31 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।